ये बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये शिक्षण विधि पर आधारित हैं और सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैं ये रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूँ कि आपका शिक्षण यानी पेडागॉजी के क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपके सामने है 24, देखिए सेंस से समझिए। जब शिक्षक अति सक्रिय हो और छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र हो, तो ऐसी पद्धति को हम शिक्षण की कौन सी पद्धति कहते हैं? तो ये है व्याख्यान पद्धति। अगर आपने ये जवाब सोचा था तो बिल्कुल एक नंबर आपका इसमें सॉलिड है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस परिस्थिति में करने पर वो अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चारों विकल्प में। जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहा हो, तो नहीं, ये तो नहीं। दूसरा देखिए, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो, तब व्याख्यान विधि का प्रयोग हमेशा उपयोगी सिद्ध होगा। एकदम सुपर्ब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपको अपना स्कोर देखना है कि इन प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो कौन से, यानी शिक्षण का कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर रह गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमज़ोर, औसत दर्जे, पढ़ाई में तेज, या सभी बच्चों से? तो गाइस, कक्षा शिक्षण के दौरान आप सभी बच्चों से प्रश्न पूछोगे। चौथा विकल्प सही होगा, द फोर्थ ऑप्शन। 27 देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण। 27 देखिए, आपको यहाँ पर लगेगा कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, तो नहीं। देखिए वीडियो क्लियर है आपकी तरफ से, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो फिर आप देख सकते हैं इसको। छात्रों को मनमानी करने की छूट देना भी नहीं, निःशुल्क शिक्षण। शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना माना है NCERT ने, ठीक है? अगर आपने आर्मी का स्कूल का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, आया था एक्चुअली 2017 में, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय। तो ये शिक्षण में यानी आपकी टीचिंग में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। चलिए, कक्षा शिक्षण में शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से ज्ञात नहीं, तो मैं सीधे जवाब बता दूं आपको, ज्ञात से अज्ञात यानी फ्रॉम नोन टू अननोन, यही एक शिक्षण विधि है। बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है? आपको क्या करना चाहिए कक्षा शिक्षण में? बच्चों के पूर्व ज्ञान करते हैं ना, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान। इसी तरह आप देखेंगे 29वां, खेल शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल की क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। आपके नेट में प्रॉब्लम है तभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो आप वीडियो क्वालिटी हाई करके देखिए, आपको दिखेगा, बाकी सभी लोगों को दिख रहे हैं। प्रयोग विधि से क्या होता है? छात्र करके सीखते हैं, देख के अनुभव, या ऑल ऑफ दी अबव। 30 ऑल ऑफ दी अबव सही होगा। चलिए, खेल विधि की विशेषता ये है कि कार्य यानी पढ़ाई का स्थान खेल ले ले, इसमें कार्य का कोई महत्व नहीं होता। खेल का समावेश करके कार्य की निरस्ता को दूर करना, या खेल के बिना शिक्षा पूरी ही नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 31 में तीसरा ऑप्शन, खेल का समावेश करके कार्य यानी पढ़ाई की निरस्ता को दूर करना सही जवाब होगा। खेल विधि का सही अर्थ है बालकों की मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति मात्र, बालकों को खेल की पूर्ण स्वाधीनता मात्र, बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना, या नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 32 में तीसरा ज़्यादा सुटेबल है, बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना। सामूहिक खेलों में छात्र को कौन सा लाभ होता है? उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, नियम पालन का अभ्यास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। 33
ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। विनयटिका विधि में शिक्षण किया जाता है व्यक्तिक, कक्षा, परंपरागत या सामूहिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, इज ऑन योर स्क्रीन, 34वां प्रश्न, चौथा विकल्प, सामूहिक शिक्षण। शिक्षण की आगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ती है, विशिष्ट से सामान्य या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जा सकते हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से किस विधि में 5 पद होते हैं? प्रोजेक्ट, तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, आप परिचित होंगे इससे, हर्बर्ट की शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। 37वां है, निगमन विधि चलती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, उपरोक्त सभी, चौथा। निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है समय की बर्बादी, सत्य परीक्षण में असफलता, रटने की आदत डालना या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, तीसरा विकल्प, रटने की आदत डालना, ये निगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाने वाले पाठ हैं आगमन, निगमन, विकासात्मक या उपरोक्त सभी। तो उदाहरण देने के बाद नियम निकलवाना आगमन विधि है। फर्स्ट एग्जाम्पल देन डिफिनीशंस या रूल्स। आगमन विधि में क्या होता है? मस्तिष्क का विकास, समय बर्बाद, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40। तो गाइस, आगमन विधि में तीसरा विकल्प, बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है। सामूहिक शिक्षण प्रायः शिक्षक छात्र संपर्क कम करता है, कक्षा केंद्रित होता है, व्यक्तिक भेद का पालन नहीं कर पाता और उपरोक्त सभी। 41 है आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 41 का, उपरोक्त सभी, चौथा विकल्प। व्यक्तिक शिक्षण विधि समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42 में चौथा, ये तीनों करती है, जो व्यक्तिक शिक्षण विधि है ये समय और शक्ति को वेस्ट नहीं करती, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती। तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है चौथा। ओम कमल, हसीबुन्निशा, यूज़र अजय कुमार, ममता कैफ, रिनू अलमास रिजवी ने ज्वाइन किया है, एन एस भदौरिया, इंदु यादव, सही है। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है, मूल्यांकन करता होता है, केवल दर्शक होता है या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इज ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट आंसर इज 1, एक मार्गदर्शक होता है प्रोजेक्ट विधि में, एक गाइड होता है प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए। खेल विधि के द्वारा शिक्षा का अर्थ क्या है? खेल की क्रियाओं के द्वारा शिक्षा, प्लेइंग एक्टिविटीज़ करवाई जाए, है ना, प्लेइंग एक्टिविटीज़ करवाई जाए। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? डेक्रोली, प्रयोगशाला, निगमन या आगमन। विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, क्वेश्चन नंबर 45 में, प्रयोगशाला विधि। ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी विज्ञान में, भाषा में, कला में, उपरोक्त सभी में। 46, पहला विकल्प, विज्ञान में। ह्यूरिस्टिक विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी किसमें? विज्ञान में। कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर जल बाहर निकालती है, ये नियम बताने के बाद कई प्रयोगों के द्वारा इसे
सिद्ध किया जाता है, शिक्षण की ये विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, प्रयोगशाला या ह्यूरिस्टिक? क्वेश्चन नंबर 47 में सही जवाब होगा निगमन की विधि। नियम बताने के बाद कई प्रयोग से सिद्ध किया है ना, अगर उदाहरण देकर के नियम निकालते तब ये आगमन हो जाती, लेकिन निगमन में पहले आपने नियम बताया है उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया है। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? चयन, प्रेरणा, नियमीकरण या करके सीखना? तो करके सीखना यहाँ सही जवाब है, चौथा विकल्प, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है।